सो हे गाइस, दिस इज सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और एल्गोरिदम्स क्यों यूज होता है, प्लस एल्गोरिदम कहाँ कहाँ यूज होता है, और चौथा पॉइंट है कि एल्गोरिदम हम लोग क्यों बनाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी अभी कॉलेज से पास एंट्री लिए हैं या फिर 10th 12th जो भी क्लास में, तो एल्गोरिदम का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। एल्गोरिदम पे ये एप्लीकेशन रन करता है या फिर या YouTube के ले लीजिए, YouTube इस एल्गोरिदम पे यूज होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि एल्गोरिदम ये एप्लीकेशन यूज करता है या फिर इस एल्गोरिदम पे एप्लीकेशन बना हुआ है, Facebook है, राइट। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल आपको देखने को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आया तो आपको देसी भाषा में बताता हूँ कि कोई आपको प्रॉब्लम है, लाइक आप ले लीजिए चाय मुझे बनाना है, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेंगे कि पहले चाय पत्ती डालना है, पहले पानी रखना है, पानी डालना है, उसके बाद चाय पत्ती डालना है, फिर चीनी डालना है, उसके बाद आपका चाय बन जाएगा, उसको लास्ट में छान लेना है, ठीक है। तो एक बेसिकली एक एल्गोरिदम ही है, बट एक प्रोफेशनल एल्गोरिदम नहीं है, बट ये एल्गोरिदम एक इसको मान सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर इसको टेक्निकल भाषा में बताऊं तो एल्गोरिदम्स एक प्रोग्रामर और एक डेवलपर के बीच का भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी बात करते हैं किसी से, या फिर कोई बंदा इंग्लिश या फिर इंग्लिश में बात करता है, तो भाषा की यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। उसी प्रकार एक एल्गोरिदम भी एक तरह से भाषा ही है एक प्रोग्रामर और डेवलपर के बीच में बात करने के लिए। अब प्रोग्रामर क्या करता है कि प्रोग्रामिंग को और उसको पहले डिज़ाइन कर देता है कि ऐसे ऐसे करना है सीक्वेंस में काम, ठीक है। अब डेवलपर उसको डेवलप करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर जो भी है एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जो भी है उसको डेवलप करता है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं एल्गोरिदम। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एल्गोरिदम्स कहाँ पे यूज होता है। तो अगर मैं इसका आंसर एक लाइन में दूं तो एल्गोरिदम हम लोग हर जगह यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बेसिक जो भी लाइफ है आपका, उसमें हम लोग एल्गोरिदम भी यूज करते हैं, बट हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एल्गोरिदम्स एक प्रोफेशनल टर्म है जो कि एक आईटी इंडस्ट्री कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है, यूज करती है किसी भी प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उससे पहले उस प्रॉब्लम को राइट किया जाता है, मतलब लिखा जाता है कि ये चीज़ें पहले पहले होंगी, उसके बाद से ये चीज़ होगी, ठीक है, उसको बोल सकते हैं एल्गोरिदम्स, और वहाँ वहाँ पे चीज़ें एल्गोरिदम से यूज होता है। तो हम इसमें क्या बात की कि एल्गोरिदम कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, कोई भी कंपनी हो जो आईटी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी बेसिक कंपनी इंडस्ट्री, वहाँ पे यूज होता है एल्गोरिदम का, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल आपको लिया चाय बनाने का, उसी तरह कपड़ा धोने का या फिर कहीं भी, वो एल्गोरिदम ही है, उसका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देसी भाषा में यही होगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि एल्गोरिदम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब से इंस्ट्रक्शन का एक समूह है, ठीक है, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक समूह है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम्स। चौथा पॉइंट, क्या हम लोग एल्गोरिदम बना सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप लोग एल्गोरिदम बना सकते हैं। वैसे कि बहुत सारे लोग बनाते हैं, प्रोग्रामर बनाते हैं, तो हम ही लोग एक तरह से प्रोग्रामर आगे चल के बन सकते हैं, तो एल्गोरिदम हम लोग बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फील्ड में नहीं हूँ, तो क्या मैं एल्गोरिदम बना सकता हूँ। तो इसका जवाब है कि आप एल्गोरिदम पहले से ही बहुत सारे बना सकते हैं, बट वो एक एल्गोरिदम नहीं होता है। जैसे कि आपके घरेलू काम का, उसका एल्गोरिदम आप लिखेंगे कि ये करना है काम, ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो एक एल्गोरिदम है। बट एक प्रोग्रामिंग के फील्ड से देखा जाए तो आपको एल्गोरिदम बनाने के लिए आपको मैथ्स आने चाहिए और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आने चाहिए, ठीक है, कि कैसे कैसे काम होता है,
तब आप एल्गोरिदम बना सकते। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो और उम्मीद है कि आपको कुछ नया चीज़ और इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नीचे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कोडिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँ, साथ में गाइड का भी वीडियो लेके आता हूँ कि कैसे आप एक कॉलेज में हैं तो कैसे कैसे आपको करना है चीज़ें कि आपको आगे जाके अच्छा हो, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।